वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। रमज़ान की आमद आमद है और बहुत सारे सेगमेंट्स हमने आपके लिए खासकर डिज़ाइन किए हैं कि कैसे आप अपनी हेल्थ का, अपनी फ़िटनेस का, अपनी डाइट का ख्याल रख सकते हैं। तो आज भी हम इस प्रोग्राम के इस हिस्से को, इस सेगमेंट को खासकर थोड़ा सा गाइड करना चाहेंगे कि रमज़ान में जहाँ हम यू नो खाने में परहेज़ कर रहे होते हैं, वो लोग जो कि फ़िट होना चाह रहे होते हैं, अच्छे रिजल्ट्स चाह रहे होते हैं, तो सिर्फ डाइट उसके साथ एक वाहिद नहीं है, बल्कि आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज की भी ज़रूरत है। तो अगर आप जिम नहीं जा सकते हैं, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे होते हैं कि यू नो हमारे पास टाइम नहीं होता इन रमज़ान, स्पेशली ख़वातीन जो होती हैं वो, क्योंकि घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अफ्तार और सहर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चे भी होते हैं, तो ऐसे में टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है यू नो। तो आप घर में तो कम से कम रहते हुए 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज या अपने आप को इतना तो कम से कम वक्त दे सकते हैं। तो कौन सी ईजिएस्ट एक्सरसाइज हैं अगर आप डाइट भी प्लान कर रहे हैं इन रमज़ान फास्टिंग के अलावा, तो आप कौन सी एक्सरसाइज घर में कर सकते हैं जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन बहुत ही प्यारे मेहमान आज मौजूद हैं, उनका मैं तारुफ आपसे करवाते चलूँ। हाफिज़ खालिद मलिक साहब, इनका क्या तारुफ जनाब करवाएंगे, आप तमाम लोग जानते हैं, मिस्टर पाकिस्तान रह चुके हैं और बड़ी अच्छी बातें करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त मोटिवेट भी करते हैं और फिटनेस ट्रेनर भी हैं। और उनके साथ रानिया जनाब आज हमारे साथ इन स्टूडियोज़ मौजूद हैं, जो कि खासकर उन खवातीन और मर्दों को आसान एक्सरसाइज बताएंगी जो कि बहाना हमेशा देते हैं कि हम जिम नहीं जा सकते। तो मत जाएं जिम, घर में ही आप क्या कर सकते हैं। तो रानिया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब? फाइन नबी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो सबसे पहले जी, रमज़ान मैंने बोला कि बस आने वाले, और बहुत सारी हमने यू नो रेजोल्यूशंस बना लिए हैं कि इस बार तो हम यू नो बेहतर मुसलमान भी बन जाएंगे, सेहत के हवाले से भी हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, अपने सारे जो टारगेट्स या गोल्स हैं वो हमने अचीव करने हैं। बड़ी अच्छी बात है, अगर आप तो मोटिवेटेड हैं तो समझ लें कि ये जो सेगमेंट है ये है ही आपके लिए। क्यों जी? बहुत अच्छी बात की आपने, और मैं समझता हूँ कि हम सबको इस बात पे यकीन होना चाहिए कि रमज़ान मुबारक आ रहा है, बड़ा बाईस बरकत महीना है, और जितना हो सके इस पर इबादत करें और अल्लाह को याद करें। लेकिन आपको फिट होने के लिए सबसे बेस्ट जो महीना वो ये है। देखिए, आज वर्ल्ड में इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है पूरी दुनिया में मतलब इतनी फेमस हुई हुई है, और अल्लाह की तरफ से इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी 16 घंटे की जो है वो रमज़ान मुबारक में हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप पूरी ऑनेस्टी से रोज़े रखें और डाइट अच्छी लें, यानी अच्छी डाइट से मुराद हेल्दी डाइट से मुराद मेरा ये नहीं है कि जैसे आपने सुबह सहरी के टाइम हम पराठे खाने शुरू कर दें और इफ्तारी के टाइम हम समोसे खाने शुरू कर दें, तो ये हेल्दी डाइट नहीं है। तो अगर आप इबादत के साथ साथ अपनी डाइट को भी इबादत समझ के खाएंगे तो वो डेफिनेट आप गोल अचीव कर सकेंगे अपना, जो भी आपका गोल है। आप फिट होना चाहते हैं, आप लेस वेट हैं तो वेट बढ़ाना चाहते हैं, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट कम करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ ये इससे अच्छा मंथ कोई भी नहीं हो सकता। नो डाउट। अच्छा, जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो हम अपने लिए ना सबसे पहले आसानी ढूंढते हैं, और हमारी सबसे बड़ी आसानी ये है कि आजकल यू नो डाइटिशियंस जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, हम उनको एक यू नो उनसे मिलते हैं, उनको अपना सारा यू नो वो हमें देखती हैं, बॉडी टाइप क्या इश्यूज़ हैं, किस तरह की बॉडी टाइप है, क्या आप मसले मसाइल हैं, वो हमें एक डाइट प्लान बना कर दे देती हैं जो कि हम घर में स्टार्ट कर लेते हैं। दूसरा आसान तरीन हल ये है कि हम कुछ थोड़े से और पैसे पे करते हैं और हमें घर में ही मील्स आना शुरू हो जाती हैं जो हम एक महीना करते हैं, और वो हम यू नो बड़ी फैंसी, बड़ी ज़बरदस्त और जायकेदार यू नो लो कैलोरी वो डाइट हमें मिलती है और हम अपना वज़न जो है उससे। लेकिन जनाब क्या होता है कि जैसे ही वो हम एक महीने के बाद या तीन महीने के बाद हम वो खाना छोड़ते हैं, वो वज़न ग्रेजुअली वहीं पर दिनों में आ जाता है, बाउंस बैक हो जाता है। यस, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करें। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो चेहरे पे आपकी आहिस्ता आहिस्ता यू नो वो जो ग्लो आना शुरू होती है, जो फेस कट यू नो ग्रेजुअली आपका यू नो बनना शुरू होता है, और जिस तरीके से आप अपना यू नो ग्राफ आपका ऊपर जाता है वज़न घटाने में, आई थिंक दैट्स अमेजिंग। लेकिन दोनों चीज़ें पैरेलल होनी चाहिए और सही तरीके से होनी चाहिए। क्यों खालिद साहब? बल्कि नबीहा, एक्सरसाइज जो है ना, अगर आप इसको इबादत का दर्जा दें ना तो कम नहीं होगा। अगर आप इसको इबादत का दर्जा दें, एक्सरसाइज दिल से करें, तो आप हमेशा हेल्दी और फिट भी रहेंगे। आज लोग देखें, लाखों लोग अपनी ज़िंदगियों को अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं, उसकी अपने दांतों से बर्बाद कर रहे हैं, सिर्फ जंक फूड खा के बाहर का खाना खा के। मुझे तो ये समझ नहीं आती, आफ्टर ऑल हमने कितना खाना है, क्या हमने देखिए एक असूल याद रखिए, आप हमेशा फिट रहेंगे। भूख लगी हो तो खाएं, भूख लगी हो तो छोड़ दें।
भूख लगी हो तो खाएं, भूख लगी वाह गुड। अब देखें ये कुल्ली भी अमल करके देखें आप इंशाल्लाह ताला, ये तो सुन्नत भी है ना कि भूख रख कर खाओ। एग्जैक्टली ऐसे ही, तो जब आप भूख रख के खाते हैं ना तो फिर आपको हर वक्त हंगर फील होना चाहिए। जब आप हंगरी फील करते हैं तो आपका वेट कभी भी नहीं बढ़ सकता, आपके जो भी गोल्स हैं आप अचीव कर सकते हैं। ये जो स्किन ग्लो की बात हो रही थी, आप हमेशा ज़्यादा खाने वाले लोग देखिए उनके स्किन के ऊपर पैचेस पड़े होते हैं बड़े बड़े, उनकी स्किन जो है वो डैमेज होती है। आपको पता है ओवर ईटिंग का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, वो ना कि सिर्फ आपकी मेमोरी डैमेज करती है बल्कि आपकी स्किन को भी डैमेज करती है। और स्किन को डैमेज करने में सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो ऑयल है। और जितना अच्छा ऑयल आप घर में चीज़ बना के खा सकते हैं, मैं नबीहा कभी भी फैंसी डाइटों के हवाले से कभी भी मेरी लाइकिंग नहीं रही, मैं हमेशा सादी गज़ा को पसंद करता हूँ। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें, आप क्रैश डाइट कर लें, आप 40 डेज़ का जो है वो चैलेंज ले लें, या इसके अलावा आप कीटो कर लें, कुछ भी कर लें, आप जैसे ही उससे स्विच करके वापस अपने लाइफस्टाइल में आएंगे ना तो बाउंस बैक हो जाएगा। यस, अगर आपने 10 kg गिरा लिया तो वो 20 kg बढ़ जाएगा। अच्छा, और आप देखें कि हमेशा वो लोग लंबी उम्र और सेहत वाली उम्र उनकी ज़िंदगी देखिए जो लोग कम खाते हैं ना, पुराने लोग। मैं अपने वालिद की चले मिसाल देती हूँ कि मैंने इनको सारी ज़िंदगी मैंने उनको भाई मैंने अपने अब्बा को बाहर का खाना खाते हुए नहीं देखा, यू नो, और दिन में एक टाइम का खाना, और वो फिर रोटी ज़रा वो भारी होती है, लेकिन यू नो वज़न मुनासिब, कंट्रोल, सेहत के मसले मसाइल से जो हम बच जाते हैं, यू नो हम लोग लंच अभी ख़त्म किया नहीं जो हमारे जनरेशन के लोग हैं, अच्छा डिनर कहाँ करें, कौन से रेस्टोरेंट में जाएं, और यू नो सोशल मीडिया पे अब तो फूड ब्लॉगर्स का भी मैं कहती हूँ कि अल्लाह भला करे कि जो लोगों को यू नो घर बैठे बैठे क्रेविंग्स हो रही होती हैं और हम जा रहे होते हैं, लेकिन जो घर का खाना है और जो एक टाइम का खाना है वो कितना हेल्दी है। अब देखिए नबीहा, एक इंच के ज़ुबान के चस्के की खाते हम 6 feet बॉडी के ख़राब कर लेते हैं, मतलब 6 feet की बॉडी होती है वो ख़राब कर लेते हैं ये जायके की वजह से। जबकि वो चीज़ मुंह के अंदर जाती है तो आपको भूल जाते हैं कहाँ पे, आपको पता ही नहीं वो कहाँ पे है। और जो खाने के ऊपर आप रिग्रेट करें ना, क्या है वो तो है ही गलत ना, ये जो अक्सर होता है बच्चों के चक्कर में अक्सर जब खाना पड़ जाता है ना, मैं को आप कभी खुश नहीं होंगे, कभी आप रिग्रेट ही करेंगे कि यार गलती कर ली खा के। तो जब आप ये जुमला बोल दें ना तो फिर उस गलती को क्या करना है, दोहराना नहीं है। अच्छा, वो गलती ना हम याद रखते हैं सिर्फ नेक्स्ट खाने तक उसके बाद खाने के बाद हम पछता लेते हैं, लेकिन खाते ज़रूर हैं हम। अब जितना कम खाएंगे उतना हेल्दी लाइफ जिएंगे। अल्लाह ताला का एक सिस्टम है, अल्लाह ने ऐसी बॉडी का ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि इस बॉडी को देखें, अगर एक गाड़ी का इंजन जो है वो उसकी एडजस्टमेंट फ्यूल के ऊपर रखी गई है कि फ्यूल उसमें डलेगा तो गाड़ी चलेगी, अगर उस इंजन में उस गाड़ी में हम ऑयल डाल दें दूसरा तो वो कभी भी नहीं गाड़ी चलेगी, गाड़ी बंद हो जाएगी। तो सेम इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसानी बॉडी की जो खुराक बनाई है ये इसका फ्यूल है, तो अगर आप इसको प्रॉपर इसका फ्यूल नहीं देंगे ये बॉडी नहीं चलेगी। और आपको पता है आज हमारी बीमारियों का 90% कॉज क्या है, जस्ट सुबह का ब्रेकफास्ट जो है जो हम स्किप करते हैं। 90% लोग जो है वो डिप्रेशन और एंजाइटी से मर रहे हैं, 10% लोग जो हैं वो अदर बीमारियों से। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो डिप्रेशन और एंजाइटी की मेजर कॉज क्या है कि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जब हम उठते हैं तो 2-4 घंटे हम भूखे रहते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा भी करेंगे तो एक बिस्किट ले लिया, एक रास ले लिया, कप चाय का ले लिया, तो हम समझते हैं कि मैं समझता हूँ जिसका दिन का आगाज अच्छा नहीं है उसका दिन अच्छा कैसे हो गुजरेगा। अगर आपने हेल्दी रहना है ना, देखिए सुबह मॉर्निंग में खाएं 60%, दोपहर को खाएं 30%, रात को खाएं 10%। तो टोटली हम लोग उलट कर रहे हैं ना। देखिए जब जब हम नेचर के अगेंस्ट चलेंगे तब तब हम प्रॉब्लम्स का शिकार होंगे। देखिए नेचर ये कहती है कि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठें, फजर के बाद सोए ना, थोड़ी एक्सरसाइज करें, वॉक करें, और आप अच्छा ब्रेकफास्ट करें। आई हैव सीन समवन वेरी क्लोज अराउंड मी, और मैंने देखा कि जी वो वज़न का बढ़ गया, जी वज़न बढ़ गया, मैंने कहा था जी अब क्या करें, तो मैंने ज़रा चेक किया कि कुछ दिन क्या सिलसिला हो रहा है, तो पूरा दिन फाका काटा गया, पूरा दिन भूखे रहे, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, सर दर्द क्यों हो रही है भाई। तो वो एक नंबर वन वो साथ रहा। उसके बाद जैसे सूरज गरूब हुआ है 7-8 बजे, तो उस टाइम जी खाना खाया, क्योंकि भूख आप कितनी देर अपनी बॉडी को स्टार्व करोगे, यानी कि हमने अपनी बॉडी को उस वक्त काम पर लगा दिया जब उसके शट डाउन होने का टाइम आया था। तो टोटली
गलत, ऐसे आप वज़न नहीं घटाएंगे बल्कि बीमारियों को मज़ीद दावत देंगे। अच्छा चलिए, ये तो बात होगी, हमने पता है कि खाने के जो मसले मसाइल हैं वो तो हमारे साथ साथ हैं और हम उसके ऊपर अवेयरनेस के ऊपर बहुत सारी बात भी करते हैं। अब ये जो वर्जिश ना करने का बहाना है, ये हमने तो भाई हिलना नहीं है, यू नो कमर नहीं हिलानी। देखिए ना भैया, ये पुराना हो गया आई थिंक। ये मैं समझता हूँ जो लोग एक्सक्यूजेस देते हैं ना कि अब वो एक्सक्यूजेस ही देते रह जाते हैं। अब यकीन माने, अच्छा वो कहते हैं मंडे से करेंगे तो ना वो मंडे आता है, अच्छा पहली को जाएंगे तो वो पहली भी नहीं आती। ये वो बड़ी बात है, बचपन में कल से पढ़ूंगा, वो कल कभी नहीं आया बच्चों का। अच्छा मैं ये कहता हूँ कि अगर आप जस्ट ICU में पड़े लोगों को देख लेना, जो मरना चाहते हैं मर नहीं रहे, जीना चाहते हैं जी नहीं रहे, अब उन लोगों को देख लें तो मेरा ख्याल है कि आप सुबह जिम में होंगे और एक्सरसाइज कर रहे हो। मैं आपको बड़ी मज़े की एक एग्जांपल दूंगी, आप चाहे इसको यूट्यूब पे जाके आप इसको रिसर्च कीजिएगा, देखिएगा, आपको बकायदा इसके ऊपर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री मिलेगी। एक शख्स जो कि मे बी इन US अमेरिका शायद या कहीं पर इस तरह की जगह पर हैं, और ही इज़ अ पेशेंट ऑफ रेमेटॉइड ऑर्थराइटिस, जो कि एक हड्डियों की और जोड़ों की एक बड़ी स्वेयर किस्म की एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। वो शख्स उसमें वो और ट्रेनिंग कर करके एक्सरसाइज को टाइम दे दे के ही इज़ अ फिटनेस ट्रेनर इन US राइट नाउ। एंड आई थिंक ये एग्जाम्पल है, क्योंकि ये एक इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि जो शख्स इसमें मुबतला होता है उसकी जो जोड़ होते हैं उसमें से फ्लूइड्स निकल जाता है, दोबारा से ऐसे लोगों के लिए चलना फिरना नॉर्मल लाइफ लीड करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो विल पावर है वो आप देखें कि इंसान को क्या कुछ करवा लेती है, कि एक इतनी स्वेयर बीमारी, आई थिंक इट्स एन एग्जांपल। हम तो यहाँ पे बीमार अगर हो जाएं तो हम सबसे पहले कि यार हम बीमार हैं, वर्जिश कहाँ से करेंगे, एक्सरसाइज तो दूर की बात है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड होता है। जब तक बॉडी हेल्दी नहीं होगी माइंड हेल्दी कैसे होगा? अगर हेल्दी माइंड नहीं होगा तो ये जो मशीनरी अल्लाह ताला ने बनाई है ये कैसे चलेगी? देखिए, हेल्दी माइंड होने के लिए सबसे पहले आपकी स्लीप जो है, नींद जो है 6 से 8 घंटे की बहुत ज़रूरी। मैं समझता हूँ नींद को भी इबादत का दर्जा दें। आपको पता है नींद से अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन मेरे सुनने वाली जितनी भी खवातीन हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो 10-10 घंटे सोना शुरू कर दें कि नहीं वो हाफिज खालिद कह गए थे कि नींद से अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं है। वजन कम हो जाएगा। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, जो लोग प्रॉपर डाइट भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, इसके बावजूद अगर उनका वेट नहीं गिर रहा फिर वो अपनी नींद पे तवज्जो करें। करेक्ट। अगर उनकी नींद कम है तो वेट फिर भी नहीं गिरेगा। अगर उनकी नींद ज़्यादा है तो वेट फिर भी नहीं गिरेगा। देखिए, ख़वातीन को एज़ कम्पेयर टू मर्दों की नस्बत ज़्यादा सोना चाहिए। मर्दों के लिए है 6 आवर और लेडीज़ के लिए है 8 आवर। अच्छा, 8 घंटे की नींद। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है बड़ी कॉमन सुनने में, हमारी स्टूडेंट्स जो हैं अक्सर कंप्लेन करती हैं कि सर हम 8 घंटे की नींद लेती हैं लेकिन फिर भी हम थकावट रहती है, सुबह तनाव रहता है, आपके सर्वाइकल में लंबर स्पाइन में आपको खिंचाव फील होता है। उसकी मेजर वजह पता क्या है? रात को देर तक हम सोते हैं। यानी रात को हम टीवी देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, मूवी देखते हैं, जब हमें भूख लगती है हम फ्रिज खोलते हैं, जो मिल जाए हम खाना शुरू कर देते हैं। अब कहते हैं उस टाइम सोचते हैं या फिर हम फोन पकड़ेंगे तो ऑर्डर करेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। मैंने तो कुछ लोग ऐसे देखे चीनी का पक्का मार लेते हैं, चीनी का पक्का। अच्छा देखिए, जब रात को 7 बजे अपने खाने वाली विंडो बंद कर देंगे ना, ऑटोमेटिकली वो लोग भी आसपास जो है ना, वो तो खा लो, अरे कुछ तो खा लो, की हो गया है ना पंजाबी हमारा वो जो एक है कि भई आए कुड़ी आए मुंडा दे कुछ नहीं खाते। हां जी, हां, रंग रूप देखो अपना, खास तौर पर अम्मी अगर आ जाए तो फिर तो डेफिनेटली माय सबसे ज्यादा जो है ना वो कंसर्न हो जाते हैं। तो आप जितना कम खाएंगे उतनी ज्यादा लाइफ। अच्छा, आई थिंक देखिए, अगर आप वर्जिश कर रहे हैं ना, अगर आप वर्जिश कर रहे हैं चाहे जिम में कर रहे हैं चाहे घर, तो आपको मार्जिन भी मिल जाएगा खाने का, क्योंकि आपका ये ब्रेन, आपकी जो माइंड है ना, वो सेटिस्फाई होगा कि यार आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप वर्जिश को प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, तो अगर आपने हफ्ते में एक बार एक पेट भर कर भी खा लिया या यू चीट भी कर लिया तो वो आपको तसल्ली रहती है। अच्छा, रानिया हमारे साथ मौजूद है, कब से वेट कर रही हैं, तो ज़रा रानिया को भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं और अब ज़रा हमारे बहुत ही उस खास सेगमेंट की तरफ आते हैं जो कि हमने खासकर डिज़ाइन किया है ख़वातीन और मर्दों के लिए, रमज़ान में भी आप एक्टिविटी घर में कैसे कर सकते हैं। अच्छा खालिद साहब, ये है कि हमारा जो पेट का मसला है हमारे यहाँ वो बड़ा है पंजाबियों में खासकर, कि पूरी जो बॉडी है वो एक प्रोपोर्शन में है, लेकिन जो रानिया पेट है वो मर्द हों या ख़वातीन हों, मर्दों का इसलिए चूँकि वो दफ्तरों में
देर घंटों तक बैठ के उनको काम करना पड़ता है, मौका नहीं मिलता एक्टिविटी का। और ख़वातीन का इसलिए चूँकि यू नो मदर्स होती हैं और उस तरह से बाद में अपना ख्याल नहीं रखती आफ्टर चाइल्ड बर्थ, तो वो एक चीज़ मर्दों ख़वातीन दोनों में है। तो पेट की चर्बी को घर में कैसे कम किया जा सकता है? अच्छा नबीहा, मैं आपकी बात को बड़ा करना चाहूँगा यहाँ पे। देखिए, जब आप कोई भी चीज़ खाते हैं ना, तो सबसे पहले आपका पेट बड़ा होता है। ठीक। अच्छा, जब आप पेट कम करने जाते हैं तो आपको पता है बॉडी में सबसे लेट आपका पेट कम होता है, सबसे बाद में। तो ओवर टू रानिया। ऐसा है कि हमारी लेडीज़ मार्केट्स में बहुत ज़्यादा टाइम देती हैं, गॉसिपिंग में बहुत ज़्यादा टाइम अपना निकालती हैं। जिम में भी खास ग्रुप होता है, जिम में भी एक खास ग्रुप है जो ट्रेडमिल्स को संभाल लेती हैं और ये ऐसे हाथ रखा होता है और गपशप चल रही है। पहले सबसे पहले आप एक्सरसाइज बताएं, मुझे बताएं क्या बातें करती हैं आके। मैंने बहुत सारे डिफरेंट जिम्स ज्वाइन किए, मैंने देखा वहाँ पे जो खवातीन का एक खास ग्रुप होता है ना, वो ट्रेनर्स के साथ गप्पे क्या क्या बातें हो रही होती हैं। ट्रेनर्स के साथ तो वो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मेरा किसी के साथ ये वो वहाँ का एटमॉस्फेयर रखा ही नहीं है कि मैं सबके साथ गपशप लगाऊं। हाँ, आपस में वो ज़रूर करती हैं, आज ब्रेकफास्ट में हम ये खा कर आ रहे हैं, अब कल शॉपिंग पे गए थे, अब उसकी शादी आ रही है, साड़ी पहननी है, लहंगा पहनना है, व्हाट्सएप। वो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि वो कह रही हो कि वो दो दिन के बाद बहन की शादी है तो 5 किलो वजन कम हो गया? एग्जैक्टली, मैनी टाइम्स ऐसा होता है। क्या कहती हैं आप वो उनको? आती है जी एक महीने बाद, अभी तो रिसेंटली एक मेरी क्लाइंट है, उनकी नेक्स्ट मंथ शादी है और उनको 8 से 10 kg उतारना है। इतना जल्दी याद आ गया? तो मैं उनसे, मेरा सवाल ही ये होता है कि आपको इतनी देर से पहले कहाँ थी आप? जी बस टाइम नहीं मिला और ऐसे और शॉपिंग और जो भी था। लेकिन ये है कि लेजी बहुत हैं, अपने ऊपर जो उनको मेहनत करनी चाहिए, अपने लिए जो टाइम निकालना चाहिए उसमें वो बिल्कुल ध्यान नहीं। ठीक है, महंगे कपड़े ज़रूर पहन लेती हैं लेकिन वो फिटनेस की तरफ नहीं है। ये खालिद साहब को भी एक बात मुझे लग रहा है कि ये कुछ कहना चाह रहे हैं जी। हमारे पास जब खवातीन आती है तो आके कहती है, नहीं ना, इतनी प्यारी मासूम सी हमारी बहनें खवातीन कहाँ, ना ये ज्यादती हो गई। अच्छा चले, क्या कहना चाह रहे हैं? आगे कहती है, सर 2 माह रह गए, 15 kg वेट कम। ओए, तो मैं फिर आगे से कहता हूँ 5 भी नहीं 15 kg। मैं क्या, आपने मेहंदी वाले दिन आ जाना था? आ जाना था, सही बात है भाई। कैसे, हाउ कैन इट पॉसिबल? ट्रेनर जादूगर नहीं होता, नहीं होते बिल्कुल, ट्रेनर ट्रेनर होते हैं। अच्छा, फिर लाइफस्टाइल भी अपनी मर्जी का और वेट कम नहीं हुआ तो ट्रेनर की शामत आ गई। मैं ये समझता हूँ कि जब हम किसी स्कूल कॉलेज में जाते हैं, जैसे अच्छे उस्तादा का हम चॉइस करते हैं कि भाई टीचर अच्छा होना चाहिए, वैसे जब आप जिम में जाते हैं तो आपका ट्रेनर भी पढ़ा लिखा एक्सपर्ट ट्रेनर होना चाहिए। करेक्ट। जब आप एक्सपर्ट ट्रेनिंग के आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो डेफिनेट आपको इंजरी नहीं होती, आपको रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। अच्छा, एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जिम में जाकर, लोग पता क्या करते हैं, शॉपिंग करने जाएंगे तो हाई फाई शॉपिंग करनी है, ब्रांडेड शॉपिंग करनी है। जब जिम में जाना है ना तो फिर पर्सनल हायर नहीं करना, ट्रेनिंग खुद ही सेल्फ करेंगे, आई नो एवरीथिंग, और वो यूट्यूब लगा के वहाँ पर रख लेंगे। अब देखिए, मैं कहता हूँ कि गूगल का गुलाम बनना छोड़ दें। हर बंदे की बॉडी केमिस्ट्री डिफरेंट है, आपकी डाइट डिफरेंट है, आपकी स्किन टोन डिफरेंट है, आपकी हाइट आपके वेट के अकॉर्डिंग आपकी डाइट होती है। हम 3500-4000 एक न्यूट्रिशनिस्ट को देना पसंद करते हैं, जिम में नहीं, जिम में नहीं देते हैं, जहाँ से आप इंजरी निकलवा के फिर डॉक्टरों को इतने पैसे। देखिए, लाइफ जो है, मैं समझता हूँ कि आपकी जो दुनिया में इससे कीमती चीज़ दुनिया में कोई नहीं हो सकती। यानी इवन देखिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह, अगर आपका कोई रब होता तो आप क्या मांगते? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा मैं उससे सेहत मांगता। बहुत खूब, यानी सेहत इतनी कीमती चीज है नबीहा, और हमने उसको इतना इजी लिया हुआ है। ऐसे तो नहीं ये बात बनी ना कि जान है तो जहान, जहान है। बिल्कुल रानिया, एक तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो लेडीज जिम में आती हैं वो ये यूट्यूब की वीडियोस को देखना बंद करके आए, यूट्यूब फोन घर रखे, क्योंकि हाँ, और क्योंकि उन लोगों जिनको वो फॉलो करती हैं या जिनकी वीडियोस को वो कॉपी करना चाहती हैं, उनका लाइफस्टाइल हमारे लाइफस्टाइल से टोटली डिफरेंट है। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, वो ट्रेनर से कुछ पूछना ज़रूरी नहीं समझते, उनको लगता है कि हम ये पूछेंगे तो शायद कुछ गलत। अच्छा, वैसे ज़्यादा फरमाइश किसकी आती है, किस एक्ट्रेस की आती है कि किसके जैसी बॉडी, किसकी डिमांड है? चले फिर तो चॉइस तो बनता है। ठीक है, अगर मोटिवेशन अच्छी हो तो फिर चले मेरे ख्याल से फरमाइश करना भी। दूसरी बात ये कि अगर जिम आ ही जाती हैं, कुछ पैसे खर्च कर लेती हैं,
तो एक अपना मोबाइल फोन या छोड़ कर आया करें घर या उसको स्विच ऑफ किया। अच्छा, वैसे एक बात यहाँ पे ये भी खवातीन को जहन में बिठा लेंगे, कुछ अच्छी जीन्स भी होती हैं जो मिली होती हैं शिल्पा की, अगर बॉडी है तो वो पीछे से अच्छी आई, आई एम श्योर कि कुछ जीन्स का भी बड़ा हम किरदार रोल होता है। तो आप बोली उस तरह से शिल्पा जैसी बॉडी चाहिए तो लाइफस्टाइल भी शिल्पा जैसा हो, लाना पड़ेगा, खाना पीना भी शिल्पा जैसा हो। करेक्ट। देखिए सुबह आप पराठा खाकर आ रही हैं और जिम आकर आप कह रही हैं कि मैं शिल्पा का वीडियो लगा के उसको फॉलो कर लूं, उसको कॉपी कर लूं। चले नन्ही नन्ही ख्वाहिशें हैं, कोई बात, कोशिश करते हैं। शिल्पा सुबह आज की एक्सरसाइज बताते हैं, कोशिश करते हैं कि हम अपनी वो लेडीज जो है ना वो जिम आती हैं या जो घर हैं जिम नहीं आ सकती, उनके लिए कुछ आसान सी एक्सरसाइजेज हैं जिसको वो फॉलो करके एक अच्छी रूटीन बनाकर अपने बेली फैट को कम कर सकती हैं और अगर उसको कंटिन्यू करें तो बहुत सारा फायदा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लेग रेजेस से। इसके लिए आपको सिर्फ एक मैट की जरूरत है। इससे पहले बॉडी को वार्म अप करना जरूरत है हमारे लिए 5 to 10 मिनट का वार्म अप के बाद हम फ्लोर पे आ गए। ठीक है, ये पोजीशन होगी हमारी। ओके, 1, 2, 3, 4। अच्छा जी, इसमें आप 15 to 20 रेप्स करेंगे और 4 सेट्स करेंगे। 15 to 20 सेट्स के 15 to 20 रेप्स के 4 सेट्स फोर सेट्स करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी लोअर बैली के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर बिगनर हैं तो वो 10 to 15 रेप्स इनफ हैं, 10 भी हो जाएं तो इनफ हैं। उसके बाद हम सेम पोजीशन में ये 1, 2, 3। इसका फायदा ये है कि ये अपर बैली और लोअर बैली दोनों पे वर्क करती है। ठीक है, ठीक है, आपका क्रंच अच्छा बनना चाहिए। ये 1, 2, 3, 4, 5 ये 2 एक्सरसाइजेस हो गई। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पेट के लिए, एब्स के लिए है। ठीक है, एब्स के लिए ही है। ओके, इसका भी यही है कि आप 15 टू 20 रेप्स करेंगे। करेक्ट, ठीक है, और 4 सेट्स करेंगे। ठीक, तब आपको रिजल्ट आना शुरू होगा। नेक्स्ट हम करेंगे रशियन ट्विस्ट। इसको आप इस पोजीशन में बैठेंगे, हाथ में आप कोई बॉल भी होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी। ठीक है, इस पोजीशन में बैठेंगे। ठीक है, ये है रशियन ट्विस्ट। 1, 2, 3 मैक्सिमम आप अपनी बॉडी को मूव करेंगे। ओके, ठीक है, ये हमारे लव हैंडल्स के लिए। ओके, और ये हमारी ये जो साइड वेस्ट लाइन के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। इसके भी मैक्सिमम 30 तक आप रेप्स कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ये आप इसको 4 सेट्स में करें, ये आपको बहुत फ़ायदा होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं। अच्छा, जैसे कि रानी आप आ जाए पोजीशन में आ जाएँ, हमारे जैसे कि बेली फैट है और हम उसी की एक्सरसाइज एब्स की करें, लेकिन उसके साथ साथ जो लोअर बॉडी फैट है मतलब थाइस पे जो जिन लोगों के वजन का मसला होता है, ये उन लोगों को भी हेल्प आउट करेगा या उसके डिफरेंट एक्सरसाइज होगी? होती हैं डिफरेंट एक्सरसाइजेस भी होती हैं, हर बॉडी पार्ट की एक डिफरेंट एक्सरसाइज होती है कि हमने किस पे क्या काम करना है। सही है, लेकिन ये है कि ये जो हमारा लोअर पार्ट है, जब हमारे लव हैंडल्स कम होते हैं तो ऑब्वियसली हम शेप में आना शुरू ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम आएंगे इस पोजीशन में, ये भी हमारे लव हैंडल्स के लिए और वेस्ट लाइन के लिए। ये इसके लिए हम 2-3 चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, कि हम रॉड यूज़ कर सकते हैं जो अपने शोल्डर्स पे रख सकते हैं, डंबल्स यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप ये इस पोजीशन में। ओके, और तकरीबन कितना वेट? वेट इसमें ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो बोन है इसको ब्रॉड कर देता है वेट अगर हम ज़्यादा कैरी करते हैं। ओके, 5 kg के अंदर अंदर आपको वेट इसका कैरी करना चाहिए। ठीक है, इसमें ये होता है बेसिकली कि ये 1 मिनट का एक सेट होता है। अब यूजुअली हमारे पास क्लॉक नहीं होती, क्लॉक नहीं होती हमारे पास, तो उसके लिए होता है कि हम काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। जब हम 100 तक काउंटिंग करते हैं तो वो हमारा एक सेट हो जाता है, तो 300 में हमारे 3 सेट्स हो जाएंगे। ठीक, ठीक है, और वो 3 मिनट्स का वर्कआउट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ये 3 सेट्स हो जाएंगे इसके। इसी तरह हमारे हम क्रंचेस करेंगे जो इस पोजीशन में 1, 2, 3, 4। अच्छा, ये भी आप मैक्सिमम रेप्स कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पेट का मसल होता है वो 24 आवर्स में रिकवर कर जाता है, तो उसमें इस एक तो इसको डेली करना है और इसकी मैक्सिमम रेपिटेशन जब आप करेंगे तो वो आपको फ़ायदा देगा। ओके, ठीक है, ये
ठीक हो गया। इसके अलावा आप गुड मॉर्निंग है एक, वो आप कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग में आपकी पोजीशन होगी ये, ठीक है। वन, ओके, टू, थ्री। अच्छा, इसमें अक्सर लेडीज ये गलती करती हैं कि वो या बहुत ज्यादा पीछे चली जाती हैं, ठीक, वो ठीक नहीं है। पोजीशन, पोजीशन ठीक नहीं है, वो पोजीशन का, आपके पोस्चर का ठीक होना बहुत जरूरी है, ठीक है, ठीक है, ताकि आपकी लोअर बैक पे भी कोई जोर ना आए, ठीक। और ये हमारी जो लोअर बैक पे फैट होती है बेसिकली उसके लिए, जब हम पीछे जाते हैं तो हमारे पेट के मसल्स पे स्ट्रेच आता है, पेट का हमारा काम होता है, और जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमारी लोअर बैक के ऊपर से जो फैट है वो काम। अच्छा रानिया, अगली एक्सरसाइज पर जाने से पहले मैं एक सवाल भी यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि एक्सरसाइज करने से कितनी देर पहले हमें अपनी मील्स जो हैं वो पोज कर देनी चाहिए, और क्या ब्लैक कॉफ़ी का भी इंटेक किया जा सकता है उससे पहले? देखिए, पहले तो जो ब्लैक कॉफ़ी है इससे अच्छा प्री वर्कआउट कोई नहीं है। क्या बात है। और आप जितने भी आर्टिफिशियल प्री वर्कआउट्स ले रहे हैं सारे बंद कर दें, ठीक है। मेरे कहने पर आज से आप ब्लैक कॉफ़ी के अंदर जस्ट 7 ड्रॉप कोकोनट ऑयल के मिक्स करें, ओके, जस्ट ओनली 7 ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल उसमें ऐड करें, और वो कॉफ़ी पीकर आप ट्रेनिंग करें आफ्टर 5 मिनट। ठीक है, फ़ायदा क्या होगा बता दें। फ़ायदा क्या होगा, देखिए, एक तो ये है कि जब आप 45 मिनट पहले आप खाना पीना छोड़ देंगे ना, अभी आपका क्वेश्चन ये था कि कितनी देर पहले खाना चाहिए, ठीक, 45 मिनट पहले, यानी अगर आपने खाने से 2 घंटे बाद 2.5 घंटे बाद एक्सरसाइज करनी है, ये मैन टू मैन वेरी करती है ये बात, यानी आपका अगर डाइजेशन बहुत अच्छा है तो आप 1.5 घंटे बाद भी एक्सरसाइज कर सकती हैं। अगर मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है तो मैं 3 घंटे बाद भी, हो सकता है मैं एक्सरसाइज ना कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा कार्ब लोड किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा खाया हुआ है, तो फिर बेहतर है कि 3-4 घंटे बाद आप एक्सरसाइज करें। अच्छा, ब्लैक कॉफ़ी जो है ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर्स हैं, आपकी जो खून की नालियां हैं उनको ब्लॉकेज नहीं होने देती, ठीक है, लेकर आएं जी ब्लैक कॉफी, ओके। और जब आप उसमें ऐड कर देते हैं कोकोनट ऑयल ऐड कर देते हैं, ये इतना जबरदस्त टॉनिक बन जाता है, और ये नेचुरल टॉनिक है। सब कोकोनट ऑयल यूज कौन सा करना है ये भी तो सवाल है ना। अच्छा, कोकोनट ऑयल आप खुद कोकोनट बाय करें, वो खुद उसका ऑयल निकलवाएं, बजाय किसी इम्पोर्टेड कंपनी के चक्करों में आप पड़े हैं, बहुत हाई फाई एक्सपेंसिव लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी आंखों के सामने निकलवाएं, उसको एक ड्रॉपर में डालें, उसके 7 ड्रॉप्स जो हैं वो आपने ऐड करने हैं। आपको सस्ता भी पड़ेगा। सस्ता भी पड़ेगा, डेफिनेट। आपको मेरी हर बात में सस्ता जरूर नजर आएगा। नहीं, ये तो भाई लिख लिया ना अब, तो ये तो दिल में बैठ गया। लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हम बात वो करेंगे। अच्छा, ये ड्राइनेस भी नहीं करेगा जब हम कोकोनट ऑयल यूज करेंगे? देखिए, कोकोनट ऑयल सबसे पहले आपके दिमाग को, आपके ब्रेन को हेल्दी करेगा। जब आपका ब्रेन हेल्दी होगा आपके बाल हेल्दी होंगे, बाल हेल्दी होंगे आपकी स्किन हेल्दी होगी, आपके स्किन ग्लो के लिए बहुत अच्छा है। आप जस्ट 1 महीना नबीहा, बल्कि आप भी माशाल्लाह जिम जाती हैं, आप मेरे कहने पे 1 महीना नक्श हो गया दिल पे अब तो। ब्लैक कॉफी एंटीएजिंग, यहाँ से जाते ही सबसे पहले जो नेक्स्ट चीज ली जाएगी वो कोकोनट खरीदा जाएगा, फिर हम जाके उसका तेल निकलवाने की कोशिश करेंगे। आज हम वक्त से पहले बूढ़े हो रहे हैं ना, उसकी वजह ये है, गलत हमारी जो। देखिए, नेचुरल चीजों को हम छोड़ चुके हैं, हम आर्टिफिशियल चीजों के ऊपर आ चुके हैं। अच्छा, तो ठीक है, जो लोग बहुत ज्यादा लंच करके या बहुत ज्यादा हेवी ब्रेकफास्ट करके एक्सरसाइज करने चले जाते हैं, वो सिर्फ उसी मील को बर्न करेगा, ओवरऑल आपको रिड्यूसिंग की तरफ नहीं लेके जाएगा? देखिए, 2 बातें हैं, जब आप एम्प्टी स्टमक ट्रेनिंग करते हैं ना, तो आपकी बॉडी जो है वो एनर्जी का सोर्स क्या लेगी, आपकी फैट्स को खाएगी, ठीक है, ठीक है, बड़ा कॉमन सा मैं कुलिया बता रहा हूँ। जब आप कुछ खाकर एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो एनर्जी कहाँ से लेगी, फूड से, ठीक है, लेकिन आपकी जो फैट है वो कम नहीं होगी, ठीक, ठीक है। अब डिपेंड करता है आपका बॉडी वेट कितना है, अगर आप लेस वेट हैं फिर आप खाकर कुछ देर बाद एक्सरसाइज करें, सही, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी जो है वो जो अपना एक्टिविटी का सोर्स बनाए वो आपकी खुराक से बनाए, ठीक है। अगर आप ओवर वेट हैं, वेट कम करना चाहते हैं, तो फिर आप एम्प्टी स्टमक ट्रेनिंग करें, ताकि आपकी बॉडी जो है वो सोर्स बनाए आपकी फैट्स को खाए, ठीक है, फैट से सोर्स ले वो, ठीक जनाब, बहुत जबरदस्त टिप्स। और इसके साथ ही हम अपनी वाइंड अप जो एक्सरसाइजेज हैं उनकी तरफ जाते हैं, और रानिया हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए क्या क्या है, क्या कुछ किया जा सकता है घर में? घर में आप बहुत कुछ इन्हीं एक्सरसाइजेस के अलावा और बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जिनको। अच्छा, कुछ खवातीन का शोल्डर पे जो है वो वेट, यू नो, जब वजन बढ़ता है तो कुछ लोगों का जो है
लोअर बॉडी पार्ट पे वजन चढ़ता है, किसी का अपर पे चढ़ता है, तो हम जरा अब उन खवातीन का या मर्दों की बात कर रहे थे जिनके शोल्डर पे बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाता है जी, या ये नेक एरिया या जो हमारी बैक साइड है वहाँ पे काफी वजन महसूस होता है, उनके लिए ये है कि अगर आपके पास घर में डंबल्स मौजूद हैं ठीक है, तो अगर नहीं है तो वो वाटर बॉटल्स होती हैं 1 लीटर या 2 लीटर्स वाली, आप उनको कैरी कर लें, होल्ड कर लें आप अपने हाथ में, और उसका पोस्चर होगा ये, ओके ठीक है, इस पोजीशन में आप, ये शोल्डर का वर्कआउट होगा हमारा, और तकरीबन कितने रैप्स करेंगे और कितने सेट्स? 25 रैप्स, 1 kilo 25, 1 लीटर की 2 बॉटल्स अगर आप करते हैं तो उससे ये एक्सरसाइज की जा सकती है। अब खवातीन की जानिब से पूछा जाने वाला सबसे जो मैं कहती हूँ कि इम्पोर्टेंट सवाल है कि कोई क्या ऐसी भी एक्सरसाइज है जिससे चेहरा हमारा जो है वो यू नो कट्स हमारे बन सकते हैं, वैसे तो अगर आप ये सारी एक्सरसाइज करेंगे ना तो जवाब तो मेरे ख्याल से यही आएगा कि आपके कट्स खुद ही प्रोमिनेंट आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग मैं देखती हूँ कि च्यूइंग गम च्यू कर रहे होते हैं, ना जाने क्या क्या मुंह खोल बंद एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, क्या ये फायदेमंद है? नहीं, मुझे तो ऐसे लगता है कि ये जस्ट एक मिथ है और कुछ नहीं है। जब आप एक्सरसाइज की तरफ आते हैं तो ओवरऑल आपको ओवरऑल जब आपका फैट जाता है बॉडी से तो सबसे पहले फेस से जाएगा, पहले आपके फेस से आपके कट्स एक्सरसाइज करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आपकी खूबसूरती बढ़ जाती है, सिर्फ स्किन ही ग्लो नहीं करती, आपका जो स्ट्रक्चर है फेस का ये भी शेप अप हो जाता है, ये डबल चिन खत्म होती है सबसे पहले। करेक्ट, किसी आपको एस्थेटिक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रानिया, लास्ट एक्सरसाइज एप्स के हवाले से कौन सी बताएंगी हमें? लास्ट एक्सरसाइज में एब्स के हवाले से स्क्वाट्स भी कर सकते हैं हम, स्क्वाट्स की भी पोजीशन अक्सर खवातीन या स्क्वाट्स तो बेसिकली हमारे लेग्स के वर्कआउट में आता है, लेकिन अगर आपको एब्स का पूछना है कुछ भी मोस्टली लेडीज को ये होता है कि उनका एब्स का ही इशू है, एब्स का इशू है, तो मैं आपको चलें एक और कुछ बताती हूँ। ये 1 2 ये बेसिकली साइक्लिंग है, तो आप अपने बेड पर भी लेटे लेटे आराम से कर सकते हैं, ये आप अपने लाउंज में अपने ड्राइंग रूम में सोने से पहले भी कर लें, सोने से पहले भी कर लें, करेक्ट, बल्कि बेड की एक और एक्सरसाइज है प्लैंक्स, प्लैंक रानिया परफॉर्म करके दिखाएंगी आपको, और इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि आप अपने स्टेमिना के हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं, इसकी रेपिटेशन की कोई काउंटिंग नहीं है, ठीक है, ये एक एब्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसके साथ मैं अब आपको कुछ प्लैंक्स बता देती हूँ, ठीक है, ये आप काउंटिंग करेंगे, अपने पास टाइमर भी रख सकते हैं और काउंटिंग भी कर सकते हैं, 60 मिनट्स तक आप अपने 60 सेकंड्स इसमें आप अपने पेट के मसल्स को होल्ड करेंगे। रानिया, जो बिगनर्स हैं वो कितने सेकंड से इसका आगाज करें? 30 सेकंड से आगाज करें, अगर 60 सेकंड्स तक नहीं भी हो रहा तो इट्स ओके, आपका डे बाय डे जो स्टेमिना है वो बिल्ड होता चला जाएगा, और ये कैलोरीज को बर्न करने के लिए ठीक है, बहुत ही अच्छी। रानिया, लास्ट हमें एक स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज बता दें कि हम स्ट्रेच कैसे कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेच करना आफ्टर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है जी। स्ट्रेचिंग आप ये देखें, ओके, ये फुल बॉडी स्ट्रेच हो जाएगा, ये फुल बॉडी स्ट्रेच, ओके, ये फुल बॉडी स्ट्रेच, ठीक है, और यही हम स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं, स्टैंडिंग में भी कर सकते हैं, वो मैं आपको करके बताती हूँ। इसके लिए सबसे अच्छी स्ट्रेचिंग ये होती है कि आप कुछ होल्ड कर लें हाथ में, कोई वेट वाली चीज, उससे ये कि आपकी बॉडी को नीचे लेकर जाना वो बहुत ईजी हो जाता है, ये स्लोली जब आप जाएंगे तो वो एक्चुअली आप नहीं जा रहे होते, वो आप वेट जो आपने कैरी किया होता है वो आपको लेके ठीक है, इसे हमारी लेग्स और बैक शोल्डर आर्म सब कुछ ये देखें ठीक है, और किस पोस्चर में कितनी देर तक हमने होल्ड करना है, ये जब आप कंप्लीट चले जाएंगे ठीक है, आप काउंटिंग करेंगे 30 तक 20 तक जितना आपका स्टैमिना है, इसको 2 to 3 times आप रिपीट करें। चलें, थैंक यू सो मच रानिया, आपने इतनी अच्छी टिप्स हमारे साथ शेयर की, एंड ऑफ कोर्स आपका जनाब बहुत शुक्रिया कि आपने रमज़ान के हवाले से हमारी ख़वातीन को, हमारे मर्दों को इतने अच्छे तरीके से एजुकेट किया कि डाइट प्लस एक्सरसाइज जो है उसका जो रोल है हमारी ज़िंदगियों में वो कितना अहम है, अगर हम एक सेहतमंद ज़िंदगी चाहते हैं। इंशाल्लाह जी ज़रूर मुलाकात होगी दोबारा, आप लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जो टिप्स हमने आपके साथ शेयर की हैं बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आज से ही घर में इनको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।